हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ब्यूटी एंड ट्रेंड्स में। गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे अमेजिंग डीआईवाईज आने वाले हैं और आज जो हमारा टॉपिक है ना आज का, वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए। और टीनेजर्स ही क्यों गाइस, आपको पता है आजकल फेस्टिव सीजन ऑन है, अभी दिवाली गई है। अच्छे से मेकअप वेकअप लगाया होगा आपने, अपने ऑफिस पार्टी वार्टी पे गए होंगे आप। दूसरा, आजकल शादियों का भी सीजन है, तो 3-4 दिन अच्छे से फेस पे मेकअप लगा के बहुत अच्छी, जो फेस की बहुत बढ़िया वाली बैंड बचती है। ओके, उसके बाद होता क्या है, जब उस मेकअप को रिमूव कर लेते हो अच्छे से। सो गाइज, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको मेकअप अच्छे से रिमूव करना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी, आप लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा शादी के फंक्शंस के बाद अपने मेकअप को रिमूव करने का। उस टाइम आप लोग इतना थके होते होंगे कि बस बेड मिले और सो जाए। सो गाइज, उसके बाद क्या होता है, जब आपका मेकअप उतरता है, आपके फेस पे इतने सारे बम्प्स आ चुके होते हैं, पिम्पल्स, इतने सारे पिम्पल्स आ चुके होते हैं। और गाइज, जो जनरली सब में प्रॉब्लम होती है डाउन होने से पहले, पीरियड से पहले भी आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने आ जाते हैं, और जाते जाते आप उसको कितना भी वो चले भी जाएंगे, लेकिन जाते जाते अपना एक आधा स्पॉट छोड़ जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जाके स्पॉट करेक्टर खरीदते हैं, एंटी स्पॉट ट्रीटमेंट खरीदते हैं, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। गाइस, कोई ढंग की ट्रीटमेंट आप खरीदो या कोई ढंग का स्पॉट करेक्टर खरीदो तो आराम से आपको 1600 से 1500 का पड़ जाएगा। और उसमें भी आपको क्या मिलेगा, एक इतनी सी बॉटल मिलेगी 10-20 ml की, जिसको आप डरते डरते लगाओगे, क्योंकि आपको उस टाइम पे डर लग रहा होगा कि यार ये मेरे ना पिंपल के अलावा कहीं स्किन पे ना लग जाए। तो गाइस, इट इज क्वाइट कॉमन, ये सोचना बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इस तरीके से मैं भी बहुत डरती हूँ। मैं अपने स्किन को लेकर बहुत ज्यादा पोसेसिव हूँ, तो मैं भी बहुत ज्यादा डरती हूँ यार कि कोई केमिकल है ना स्पॉट के लिए, तो स्पॉट पे लगे, स्पॉट से इधर उधर ना लग जाए। और गाइस, इतने पैसे खर्चने के बाद भी ना आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। सो और दूसरी सबसे बड़ी बात है गाइस, जो टीनेजर्स होते हैं, कॉलेज के जो टीन्स होते हैं, इवन गाइस कॉलेज गोइंग ही क्यों, आपको पता है आजकल लॉकडाउन लग चुका है, लोगों की सैलरी हाफ हाफ आ रही है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इस टाइम पे लोगों के लिए, अब वो टाइम गया कि इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी आज की डेट में जो अच्छी खासी जॉब भी करते हैं ना, उनको भी 10 बार सोचना पड़ता है। बट गाइस क्या करें, फेस तो फेस है ना, फेस का केयर करना बहुत जरूरी होता है। ये पिंपल होते हैं, ये एक्ने होते हैं गाइस, इनको कभी भी छोड़ो मत, बिल्कुल भी केयरलेस मत बनो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करो और इनको हटाकर ही दम लो। बिकॉज गाइस, अगर आप इस पे अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो ये आपके जो पिंपल्स होंगे, एक्ने होंगे, स्पॉट होंगे, ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, फिर ये परमानेंट स्पॉट्स बन जाएंगे। सो उसके बाद स्पॉट करेक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा, जाना पड़ेगा आपको अच्छे से कहीं ट्रीटमेंट करवाने। सो वो सब अगर आप इग्नोर करना चाहते हो, सो गाइस अपने फेस का केयर स्टार्टिंग से ही करो। एक आधा पिंपल भी आता है ना, मैं तो लाइक बिल्कुल पागल हो जाती हूँ, मैं तो अपना फेस वॉश में उठा के फेंक देती हूँ। मैंने अभी अपने चैनल पे दो बेस्ट जो फेस वॉश थे, एक सोप था चंद्रिका का और एक एवर यूथ का फेस वॉश है जो मैं यूज कर रही हूँ, जिसके रिजल्ट बहुत ऑसम है गाइज, वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो मैंने शेयर किया है, आप उसके रिव्यू भी देख सकते हो। चलिए जी, अब हो गई है बात स्पॉट करेक्टर की, तो आज हम देखेंगे कि हम स्पॉट करेक्टर को घर पे कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल गाइज, किचन में चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आपको जरूर परचेज करनी चाहिए, जो आपको आराम से purple.com से 100-110 तक आराम से मिल जाएगी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। बाकी सारी चीजें आपकी घर पर ही होती हैं। ओके, सो मैं आपको बताने वाली हूँ इस स्पॉट करेक्टर को आप कैसे बनाओगे। एंड गाइज, बिलीव मी, स्पॉट करेक्टर को लगाते वक्त आपको कोई डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा क्या मैं यहां लगाऊं, और मेरे अगर जहां पे फेस पे पिंपल नहीं है वहां लग गया तो मेरा फेस खराब हो जाएगा। इवन ये जो ट्रीटमेंट है ना, इसको आप वंस इन अ वीक अगर अपने फेस पे एज अ फेस पैक भी लगाओगे तो ये बहुत ही ऑसम रिजल्ट्स देगा। ओके, सो गाइस देखते हैं इस प्रोडक्ट को हम कैसे बनाएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। बार बार मुझे बोलना पड़ता है, आप व्यू करके चले जाते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइस, बहुत सारी बेस्ट एडवाइस आने वाली है। अभी तो कोरियन स्किन केयर के सीक्रेट शेयर होने वाले हैं गाइस, सच में, जो उनकी ग्लास जैसी स्किन होती है, कोरियंस की ग्लास जैसी स्किन की जो मतलब उनकी सीक्रेट होता है ना,
वो शेयर होने वाला है, क्या प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, और वो प्रोडक्ट्स भी आपको किचन में मिल जाते हैं। तो इतनी सारी डीआईवाईज मैं लाने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ठीक है गाइज, आज बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी ये डीआईवाई। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको बनाना है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये जो आज हम ये स्पॉट करेक्टर बनाएंगे ना, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने फेस पे जो भी आप सबसे लास्ट प्रोडक्ट लगाते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो या कोई जेल लगाते हो या कोई नाइट क्रीम लगाते हो, उसको ड्राई आउट होने के बाद अच्छे से आपको सबसे लास्ट में ये स्पॉट करेक्टर लगाना है। क्योंकि गाइज, ये स्पॉट करेक्टर है ना, मेक श्योर वो कहीं से रिमूव नहीं होना चाहिए, और आपको इसको बिल्कुल क्लीन फेस पे लगाना है, बिल्कुल क्लीन स्किन पे लगाना है गाइज। बिकॉज हम इसको एक बैक्टीरियल जो होता है पिंपल, उसको खत्म करने के लिए कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो अगर आप उसको एक डर्टी से उसमें बना दोगे ना गाइज, तो बहुत ही ज्यादा मैसी हो जाएगा। सो प्लीज इसको क्लीन फेस पर, और बिल्कुल जो प्रोडक्ट आप, ये ना हो कि आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, स्किन करेक्टर लगा रहे हो, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो और आपको जो स्किन करेक्टर है उसका पता ही नहीं है कि वो गया कहाँ, उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर आप बोलोगे कि भाई रिजल्ट नहीं आए। सो गाइज, प्लीज अपने फेस पे जो प्रोडक्ट सबसे लास्ट अप्लाई करते हो, आइदर मॉइस्चराइजर करते हो, जेल करते हो, उसको अच्छे से ड्राई आउट होने के बाद आपको सबसे लास्ट में स्पॉट करेक्टर को लगाना है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो गाइज, हमें इसके लिए हल्दी चाहिए, ठीक है, कोई कस्तूरी कोई अम्बा हल्दी मैं इस पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल किचन वाली हल्दी ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया है बिल्कुल ज़रा सी, इतनी ले ली है मैंने। उसके बाद हम इस पर लगाने वाले हैं चंदन, ठीक है गाइज। जो हल्दी होती है ये, इसमें बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो आपके पिंपल्स के स्कार्स को रिमूव करने में, स्किन को फ्लॉलेस बनाने में सदियों से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ चंदन। गाइस, चंदन जो होता है वो जो आपका अनइवन स्किन टोन होता है उसको तो ठीक करता ही करता है, साथ में जो चंदन होता है वो आपकी जो इरिटेटेड स्किन होती है काफ़ी कूलिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन पर, ठीक है। साथ में मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो एलोवेरा जेल है बिल्कुल ख़त्म है, ये पूरा यकीन है मुझे, इसमें निकलेगा कुछ भी नहीं। अरे भाई, पूरा यकीन था मुझे इसमें कुछ नहीं निकलेगा। खैर, हार्डली मैटर, मैं इसमें यूज करने वाली हूँ, ये मैंने मंगवाया था गुड वाइब्स का एलोवेरा नीम एक्ने कंट्रोल प्लस हाइड्रेटिंग। अभी मेरे पास एलोवेरा जेल नहीं है तो मजबूरी में मुझे ये यूज करना पड़ रहा है, इसको भी डाल देते हैं। सो गाइज, इसमें मैंने ये हाइड्रेटिंग जेल डाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसमें जो डाला था वो मैंने डाला था ये है टी ट्री ऑयल, ठीक है, ये एल्प्स गुड का है, आप purple.com से ले सकते हैं, आपको 70 या 100 रुपीस में मिल जाएगा आराम से। कभी कभी ऑफर चल रही होती है तो सस्ते में भी मिल जाता है, नहीं तो ये आपको मैक्सिमम 100 में मिल जाएगा। सो गाइज, हम एलोवेरा जेल इसलिए डालते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सूथिंग और कूलिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन जो इरिटेट हो चुकी होती है या आपके पिंपल जो रेड आपका फेस रेड हो चुका होता है, तो ये उसको बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है। और जो टी ट्री होता है गाइज, वो तो वैसे ही एक्ने का हर पिंपल का भगवान माना जाता है, इसमें ऑलरेडी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये लगाकर आपको बिल्कुल भी, आप ये लगाओगे टी ट्री ऑयल किसी भी प्रोडक्ट में मिलाओगे, चाहे तो अपनी नाइट जेल में मिला लो, आपके एक्ने की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो ये हमारा जो ट्रीटमेंट है ये रेडी हो गया है। अब मैं लूँगी इस साफ सुथरा सा कंटेनर। गाइज, ये आपको इतना स्टाइलिश कंटेनर लेने की नीड नहीं है, आप चाहो तो आप बिल्कुल नॉर्मल सा कंटेनर भी ले सकते हो, मेरे पास ये था तो मैंने ले लिया, वरना आप घर पे जो एक कहते हैं ना नॉर्मल सी डिब्बी होती है छोटी, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको इसमें स्टोर कर लेती हूँ। गाइज, हमारा ये एंटी स्पॉट ट्रीटमेंट रेडी हो चुका है, देखो कितना प्रीमियम सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल
मार्केट से लेकर आई हूँ मैं इसको। और गाइस लेकिन आप ये प्रोडक्ट अपने आप में ही प्रीमियम है, क्लासी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको इसको प्रीमियम इफेक्ट देने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप इसको एक ग्लास कंटेनर में ही स्टोर करें। और इस तरीके से दिख रहा है ये। चलिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ गाइज, ये किस तरीके से दिखता है। इस तरीके से ये टेक्सचर आएगा हमारे एंटी स्पॉट ट्रीटमेंट का। आपको इस तरीके से स्प्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर आपकी कई बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एक्ने हैं तो आप ऐसे स्प्रेड करके लगा सकते हो, वरना आपको ऐसे स्पॉट स्पॉट करके ही पिंपल पे लगाना है। इस तरीके का टेक्सचर है। सो गाइज, आपने देखा कितने ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे में हमने इस प्रोडक्ट को तैयार करा है घर पर। यही प्रोडक्ट आप अगर माल लेने चले जाओ आराम से एंटी स्पॉट ट्रीटमेंट के नाम पे, स्पॉट करेक्टर के नाम पे, आपसे 1500 रुपये ले लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। 1 वीक में यूज़ करके ही रिजल्ट पता लग जाएंगे आपको। और इसमें सबसे अमेजिंग बात यह है, इसको स्टोर करके आप 2 से 3 हफ्ते आराम से चला सकते हैं। अगर आपको इसकी नीड खत्म हो जाती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में भी पास ऑन कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स में भी पास ऑन कर सकते हैं। और ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है गाइस। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो अगर मेरी स्किन पे सूट कर रहा है तो ये हर स्किन टाइप के लिए सेंसिटिव है। इवन कॉम्बिनेशन ड्राई ऑयली सबके लिए ये सूटेबल प्रोडक्ट है। बहुत ही इजी वे है गाइस। और मैं आपको बता दूं कि आप इसके लिए नेचुरल एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास तो एलोवेरा जेल ही नहीं था खैर, तो मैंने जो मंगवाया था गुड वाइब से उसी से मैंने उसी जेल को मैंने फिर यूज़ करा है गाइस। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चंदन था मुझे गुड वाइब्स पर्पल वालों की तरफ से गिफ्ट मिला था, मैं उसके एलीट मेंबर हूँ, तो वो कुछ ना कुछ ऑफर्स देते रहते हैं, अमेजिंग ऑफर्स देते हैं। कभी आपको 3 लिपस्टिक में खाली 2 लिपस्टिक के लिए पे करना होता है, कभी 5 प्रोडक्ट लेते हो तो आपको एक गिफ्ट मिल जाता है ऐसा अमेजिंग सा। और ये चंदन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइज। मैं इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। सो प्लीज़ एक बार मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। और गाइज मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो पे कुछ ना कुछ अमेजिंग DIY लेके या किसी ना किसी प्रोडक्ट का बिल्कुल ट्रू ऑनेस्ट रिव्यू लेके। सो गाइज मुझे प्लीज़ बताना आपको कैसे इसके रिजल्ट्स आए हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।